प्रिय हिंदी मित्रों नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा की जा रही है रिवीजन सीरीज के अंतर्गत व्याकरण की, और व्याकरण में आज हम पांचवा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा के लिहाज से। मैं बार बार कहता हूँ कि हाईटेक हिंदी के द्वारा जो भी प्रश्न आपको रिवीजन सीरीज के अंतर्गत बताए जा रहे हैं वे प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। कई मित्र शिकायत करते हैं, कई मित्र सुझाव लेकर के आते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का स्वागत है। ऐसे में कई मित्र इतने भोले तरीके से और इतने प्यार से वे ऐसे सुझाव और ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं जो हाईटेक हिंदी के लिए तत्काल उपलब्ध करवा पाना आसान नहीं होता है कि सर आप ये लेकर के आए, आप सर इस तरीके से करें, आप इस तरीके से। और जबकि हम आपको बार बार कहते हैं कि जो हम ये रिवीजन सीरीज के अंतर्गत वीडियो ला रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। NTA NEET JRF के विद्यार्थियों के लिए, TGT PGT के विद्यार्थियों के लिए, KVS NVS के विद्यार्थियों के लिए, तो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। अब कई मित्र ऐसे कहते हैं कि सर आप पूरे के पूरे वीडियो UGC नेट के हिसाब से बनाइए, आप पूरे के पूरे वीडियो UP टेट के हिसाब से बनाइए, CTET के हिसाब से बनाइए। मित्रों मैं सभी तरीके से वीडियो बना सकता हूं, लेकिन हमारे पास और काम है। आप सोच करके देखिए, आपसे हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, उतने में तो आपके नाखून घिस जाते हैं और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इतने आसानी से, आप इतने भोले तरीके से कहते हैं और हम तुरंत जो है आपके सुझाव को मान लें। हम मानेंगे भी, हम प्रतिबद्ध हैं हिंदी को लेकर के, हम प्रतिबद्ध हैं अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर के, हम प्रतिबद्ध हैं हिंदी के उन प्रतियोगियों को लेकर के जो वाकई परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं, जो वाकई हिंदी को लेकर के सीरियस हैं, जो हिंदी को लेकर के कुछ अलग तरीके से सोचते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम आपके हर सुझाव का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर हाईटेक हिंदी पर आपको कुछ भी सामग्री बेहतर लगती है, कोई भी जानकारी आपको बेहतर लगती है या लगता है कि आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि और मित्र जुड़ पाएंगे ताकि हम कुछ और बेहतर ला पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि हम फिर टेट CTET या अन्य के लिए हिंदी विषय से संबंधित ही जानकारी हम लेकर के आएंगे, लेकिन हम अन्य मित्रों के लिए लेकर के आएंगे ताकि वे लोग उसका उपयोग कर सकें। इसलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इसे लाइक शेयर करते रहें ताकि और मित्र इन वीडियो से जुड़ते रहें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शायद इसका आपको ज्ञान भी नहीं है। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि दो ध्वनियों, ये प्रश्न पूछा गया था, दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो ध्वनियाँ जहाँ पर मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमने अति महत्वपूर्ण कथनों पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ये तीसरा भाग हमने यहाँ पे बताया है। 1, 2, 3, 4 भागों में वीडियो बने हों, आपको उनको जाकर के देखना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं बहुत क्लियर कट उपसर्ग होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं और उत्तर बताया संधि। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि समास है। आज हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम होता है। उपसर्ग की अगर बात की जाए तो उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। ना तो ये ध्वनि होती है और ना ही ये शब्द होते हैं, बल्कि ये शब्द के क्या होते हैं, छोटे से टुकड़े होते हैं। जैसे अति होता है, अप होता है, तो इस प्रकार के जो होते हैं, उप होता है, ऐसे जो छोटे छोटे शब्द हैं ये क्या है, शब्दांश है। शब्द के जो अंश हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। और दूसरी खास बात क्या होती है कि ये किसी शब्द से जो है पहले जुड़ते हैं, जो पहले जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाते हैं। और मूल शब्द में यदि कोई संज्ञा है तो उपसर्ग लगने के बाद वह विशेषण हो जाता है, और यदि विशेषण है तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। ये उपसर्ग की पहचान है। उपसर्ग की पहचान क्या है, आप एक बार फिर समझें, उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग शब्दांश को कहते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यदि मूल शब्द संज्ञा है तो उपसर्ग लगने के बाद विशेषण हो जाता है, और यदि विशेषण है तो वह क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है, अक्षर या अक्षर समूह है।
प्रत्यय क्या है, अक्षर समूह है। प्रत्यय की जो यूनिट है वो उपसर्ग से भी छोटी होती है, कई बार एक एक अक्षर ही होते हैं और वो जुड़ते हैं, और वो जुड़ते कहाँ हैं, बाद में जुड़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, आप इसको अपने ध्यान में अभी बिठा लीजिए, पहले और बाद। पहले क्या जुड़ेगा तो उपसर्ग होगा, और बाद में जुड़ेगा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण जैसे हजारों शब्दों का निर्माण होता है, अगर प्रत्यय जुड़ते हैं किसी शब्द में तो उनसे क्या होता है, इन शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रियापद या धातुओं में जुड़ता है, ये हमने यहाँ आसान भाषा में और कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय क्रियापद या धातु में जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा और विशेषण आदि के अंत में जुड़ता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए परीक्षा के लिहाज से कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ता है। संधि की अगर बात करें तो संधि क्या होता है, दो निकटवर्ती, यहाँ निकटवर्ती क्यों प्रयोग किया गया है। अब मान लीजिए जैसे कि आप विद्या धन आलय ले लें, विद्या और धन आलय ले लें तो क्या होता है, जुड़ता क्या है, ये विद्या धन आलय अगर लिखते हैं आप तो इनमें योग किसका किसका होता है, द्या में जो आ लगा हुआ है ये, और आलय में जो आ लगा हुआ है ये, जो पहला पद है उसमें जो अंतिम वर्ण है वो, और जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ण है ये, तो ये दोनों क्या हुए, ये निकट निकट हुए, ये पास पास हुए, तो इसलिए क्या कहा गया कि दो निकटवर्ती वर्ण या ध्वनियों का सम्मिलन जो होता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बहुत क्लियर है, दो निकटवर्ती वर्ण या ध्वनियों का सम्मिलन संधि कहलाता है। तीन प्रकार की होती हैं संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कोई अन्य भेद नहीं होते हैं, जबकि स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। समास की अगर बात की जाए तो समास जो ये शब्द है इसका अर्थ ही होता है संक्षेप। समास का क्या मतलब होता है, छोटा करना, और दो निकटवर्ती शब्दों के योग से समास बनता है। संधि जो है इसको अगर अलग करते हैं तो इसको विच्छेद कहते हैं, और समास को अगर अलग करते हैं तो इसको विग्रह करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको किसी वीडियो में, अगर वो हिंदी का अध्यापक नहीं है तो आपको इन चीज़ों को नहीं बताएगा, और YouTube पर जो वीडियो आपको अक्सर मिल रहे हैं वो ऐसे ही अटकल पच्चू पढ़ाने वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो हिंदी के नहीं हैं, उनके पास हिंदी का औपचारिक ज्ञान ही नहीं है, फिर भी वे विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, गणित भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मित्र क्या, ऐसे जो अध्यापक हैं वो क्या करेंगे, अक्सर आपके लिए वे दिक्कत पैदा करेंगे। संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, उनको भेद ही ठीक ठीक नहीं पता है। आपको हम समझाएंगे, हम आसान शब्दों में आपको बताएंगे, बिना किसी ट्रिक के बताएंगे, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। संधि क्या है, दो निकटवर्ती वर्ण हैं। समास क्या है, दो निकटवर्ती शब्द हैं। बहुत ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों को। संधि के तीन प्रकार होते हैं, समास के छः प्रकार होते हैं। समास के छः प्रकार कौन कौन से हैं ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें बताएंगे समास के छः प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। समास युक्त शब्दों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। समास युक्त शब्दों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, विग्रह कहते हैं, विकार कहते हैं या विरक्त कहते हैं। अब अगर सबके अर्थ आपको पता है तो आप इस प्रश्न को बता पाएंगे। समास युक्त शब्दों को अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। आपने सुना भी होगा समास विग्रह, ठीक है। सामासिक पद होते हैं, दो पद होते हैं समास में, जो पद होते हैं दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। दोनों पदों के योग से एक सामासिक पद बनता है, और जब उन्हीं पदों को अलग कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। और जो ये विच्छेद है इसका संबंध किससे है, संधि से है। तो संधि जो होती है उसमें विच्छेद होता है, और समास जो होता है उसमें क्या होता है, विग्रह होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, समास युक्त शब्दों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। क
कारक चिन्ह योजक संयोजक पद और विभक्तियों का लोप कहाँ होता है? कारक चिन्ह संयोजक पद और विभक्तियों का लोप कहाँ होता है? अभी हमने आपको उपसर्ग प्रत्यय संधि समास के बारे में बताया है, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने बताया, वहाँ कहीं भी ऐसी बातें नहीं आई हैं, संधि में नहीं है। समास जो होता है उसमें जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्ह संयोजक पद और विभक्तियों का लोप होता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व खंड या पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? समास में पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। समास, जिस समास में पूर्व खंड या पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप जानिए, अभी नोट करिए या दिमाग में बिठाइए कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें पहला पद गौण होता है दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें पहला पद प्रधान होता है दूसरा पद गौण होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं समान रूप से वहां द्वंद्व समास होता है, और जहां पर दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। जहां पहला पद या पूर्व पद प्रधान होगा वहां अव्ययी भाव समास होगा, जहां उत्तर पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास होगा, जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां द्वंद्व समास होगा, और जहां तीसरा पद प्रधान होगा दोनों को छोड़कर वहां क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। शब्द है माखन चोर में कौन सा तत्पुरुष समास है? पूछा गया है, तत्पुरुष समास तो है लेकिन जो तत्पुरुष समास के प्रकार हैं उनमें पूछा गया है कि कौन सा प्रकार होगा। माखन चोर, तो माखन क्या है? माखन को चुराने वाला, तो ये क्या है यहाँ पे? कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? इसका बी उत्तर सही है, माखन चोर शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रकार है? निम्न शब्द में किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा? ये प्रश्न पूछा गया है, पर्णकुटी, गौशाला, कठपुतली और वनवास। ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, इसके बाकी के उत्तर हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इसका हम चाहते हैं कि आप प्रयास करें। मित्रों, मैं चाहता हूं कि हाईटेक हिंदी से जुड़ने वाला हर एक प्रतियोगी हिंदी विषय के मामले में इतना सक्षम हो कि परीक्षा ही नहीं, वो यदि कहीं भी जाता है तो वो सभी प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ संतुष्टिजनक उत्तर दे पाए। तो ऐसे में ये जो प्रश्न हैं इनमें आप हमें बताएंगे कौन कौन से समास हैं, पर्णकुटी में कौन सा समास होगा, गौशाला में कौन सा समास होगा और कठपुतली में कौन सा समास होगा। इन सब में तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा प्रकार किस समास में है ये आप बताएंगे। अधिकरण तत्पुरुष किस में है? वनवास में है। इसका सही उत्तर होगा डी। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि पर्णकुटी, गौशाला और कठपुतली में कौन सा समास है। निम्न में किस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। इसीलिए क्या होता है, कई कई किताबों में आपको समास के प्रकार पांच दिए मिलते हैं और कई कई किताबों में छह दिए मिलते हैं, लेकिन जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसको ही क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ संख्यावाची पद होता है, द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ यथा या और का लोप या का लोप होता है या जिनके बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। त्रिभुवन में समास होगा, त्रिभुवन में कौन समास होगा? त्रिभुवन में जो है यहाँ पे द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुवन में तीन भुवनों का समाहार हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें द्विगु समास होगा। कारकीय भेद के आधार पर कर्ता बहुव्रीहि समास निम्न में किस शब्द में है? कारकीय भेद के आधार पर निम्न में कर्ता बहुव्रीहि, यहाँ पूछा गया है कि कारक के हिसाब से भी बहुव्रीहि समास को बांटा जाता है, और प्रश्न पूछा गया है कि कारकीय भेद के आधार पर कर्ता बहुव्रीहि समास किसमें है? कृतकार्य, पतझड़, पीतांबर और जितेंद्रिय। तो इसका सही उत्तर होगा जितेंद्रिय।
क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा जितेंद्रिय, कारकीय भेद के आधार पर कर्ता बहुव्रीहि के समास में है। तो ये जो शब्द है जितेंद्रिय, इसमें कर्ता बहुव्रीहि है। निम्न में किस शब्द में वैकल्पिक द्वंद्व होगा? वैकल्पिक द्वंद्व किसमें? ये सभी के सभी जो उदाहरण आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में, वो सभी द्वंद्व के द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा गया वैकल्पिक द्वंद्व किसमें होगा, तो इसमें जो भाई बहन दिया है ये नहीं होगा, दाल रोटी नहीं होगा, कोई नहीं तो चांस ही नहीं बनता है। इसमें जो थोड़ा बहुत है ये क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास में प्रायः स्त्रीलिंग पद होता है, जो पूर्व पद होता है, जैसे सिया राम है, राधा कृष्ण है, तो ऐसे पद जो पूर्व पद होते हैं वे प्रायः आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग होते हैं। आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची क्या नहीं है? लोचन आँख का पर्यायवाची है, नयन भी आँख का है और विलोचन भी आँख का पर्याय। चाक्षुष माने क्या? चक्षु यदि होता तो वो आँख होती, लेकिन चाक्षुष मतलब क्या होता है? आँख से देखने वाला। तो ये क्या है? ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आँख का पर्यायवाची नहीं है, डी उत्तर सही होगा। बगर किसका पर्यायवाची है? पूछा गया है अजीर, अभी कल हमने आपको बताया था अजीर और अजर। अजर माने हमने आपको बताया था देवता और अजीर मीन्स बताया था आंगन। अब प्रश्न पूछा गया है बगर किसका पर्यायवाची है, ये देखने में नया शब्द लग रहा है। जिन मित्रों ने पर्यायवाची शब्द याद किए होंगे उनको पता होगा आभूषण, आदर्श, आंगन और आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा आंगन। बगर किसका पर्यायवाची है? आंगन का पर्यायवाची है। आभूषण, आदर्श और आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? कम से कम दो पर्यायवाची बिना किसी पुस्तक से देखे हुए आप हमें कमेंट करेंगे। आभूषण, आदर्श और आनंद के दो दो पर्यायवाची आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सिंधुजा किसका पर्यायवाची है? सिंधुजा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इस पर हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम देवताओं पर सभी पर्यायवाची जो शब्द है वो बताने का आपको प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है ईला किस शब्द का तत्सम रूप है? ईख का इक्षु होता है, इमली का। ईला जो है ये किसका तत्सम है? तो ये इलायची का तत्सम है। किसका तत्सम है? इलायची का। इसका सी जो है वो सही होगा। ईला इलायची का तत्सम है। संधि मुख्यतया कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतया कितने प्रकार की होती है? कई बार बता दिया हमने आपको, संधि मुख्यतया तीन प्रकार की होती है। आज की वीडियो का प्रश्न क्या है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस प्रश्न का उत्तर दे, कमेंट करें। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी और हिंदी। तो इस प्रकार ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो जो आने वाला है, पांच वीडियो व्याकरण पर अब तक हो चुके हैं, अगला वीडियो जो आएगा वो किसी अन्य पोर्शन से आएगा, हिंदी के उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध या किसी अन्य पार्ट से आएगा, उसका आप इंतज़ार करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी सामग्री ला सकें। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।